अब खबर सीकर के फतेहपुर से। चार रामगढ़ कस्बे में 2 साल पहले हुई हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि दूसरे आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया। आपको बता दें कि रामगढ़ निवासी सुरेंद्र कुमार चुलेट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका बेटा शुभम 17 सितंबर 2016 से लापता है। इस दौरान पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया, जिसकी शिनाख्त शुभम के रूप में की गई। ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी अब्दुल अजीज और ताज मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। मृतक शुभम आरोपी ताज मोहम्मद से 1200 रुपए मांगता था। रुपए मांगने पर ताज मोहम्मद ने उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद एडीजे शिव प्रसाद तंबोली ने प्रकरण में आरोपी ताज मोहम्मद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक रामगढ़ का गरीब परिवार, जिसका अकेले संतान शुभम था, उसका एक दोस्त मुमताज था, दोनों में अच्छी दोस्ती थी, रुपये का भी आपसी लेन देन था, और ये मात्र 1200 से 2000 रुपये के आपस का लेन देन का पूरा प्रकरण है। इसमें किसी बात को लेकर, रुपये की बात को लेकर मनमुटाव हुआ। दोनों रामगढ़ से मोटरसाइकिल पर फतेहपुर आए और फतेहपुर भीड़ में आकर और उसकी डेड बॉडी 3-4 दिन बाद मिली, और जो उसका मित्र था वो उस दिन से गायब हो गया। 17/8/2016 की घटना है, उस दिन से उसका मित्र गायब हो गया। और माननीय न्यायालय ने जो मुमताज है उस